मेरे ठीक राइट साइड में रिक्रिएशन गार्डन। ओ भाई एवढा जोर मा जातस का भाऊ, मग हायवे ना, नॅशनल हायवे। व्हाट्सअप पे सभी बढ़िया मस्त मजे में घर पर। तो फिर आज तारीख है 29 अप्रैल और अगस्त है का वाला भाई दो तक तू। हाँ अभी अभी बज चुके हैं 5:30 और मैं जा रहा शिरपुर का मोटो ब्लॉग बनाने, और बस हेलमेट पर सेटअप लगा दिया है, अभी हेलमेट पकड़ के बात कर रहा है। गाड़ी भी रेडी है अपनी, सब रेडी है, अभी मैं जा रहा, चलो मास्क पहन कर अभी। तो बॉयज तो बाद को जैसे नेचर देख लीजिएगा यार। अभी सुबह से शिरपुर में बारिश चालू थी और बारिश चालू के कारण अभी के जो सीन है वो सुपर से ऊपर हुए है, तो इसलिए मुझे लगा कि एक मोटो व्लॉग बना लेता हूँ। चलो हरिओम हरिओम हरिओम, हम जस्ट शिरपुर एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको रिक्रिएशन गार्डन वगैरह मतलब अंदर से नहीं दिखाऊंगा, बाहर से दिखाऊंगा। बस स्टैंड को जाएंगे, वहाँ का अभी करंट सिचुएशन देखेंगे शिरपुर की। यस अभी मजे आएंगे भाई। ओके आपको विजिबिलिटी इशू है, गोप्रो नाइट में अच्छा काम नहीं कर पाता, अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता, तो ये एक सीन है भाई। और यही रास्ता आगे करवन नाका के ऊपर जाता है। बात को जैसी भाई मैंने बोला था लास्ट मतलब जो पार्ट 5 में कि मैं माइक बहुत जल्द ऑर्डर कर लूँगा, बट यार माइक गोप्रो का माइक का बजट बहुत ज़्यादा है, उसके कारण मैं अभी गाड़ी धीरे चलाऊंगा और आपको जोर से बात करूंगा और आपको आवाज़ आएगी, ऐसा मेरा अजम्पशन है। लेट्स सी। ओहो रिक्शा, सो दिस इज करवन नाका, बड़ी फेमस प्लेस है यहाँ की, करवन नाका और निमझरी नाका। मेरे ठीक राइट साइड में रिक्रिएशन गार्डन, शिरपुर की शान। ये इसके साइड में वाटर पार्क भी बन चुका है, अभी तो फिलहाल सारी चीज़ें बंद होगी भाई कोविड के कारण। आई होप सब नॉर्मलाइज हो जाए और सब जल्द से जल्द चालू हो जाए। अरे बाप रे बाप, मज़ा आ रहा है यार इतने दिनों के बाद मोटो व्लॉग कर रहा मैं। आली, 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 आली। तड़का आई एम इन द खानदेश, खानदेशी तड़का। भाई साहब GoPro वॉइस कमांड बेखूब, बहुत ही अच्छे से पहचान पा रहा मेरी वाली। मैं जस्ट बोल रहा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट हो जा रही, मज़ा आ रहा। यही तो फायदा है यार ब्रांड लेने का, एक बार ब्रांड चीज़ें एक बार खरीद लेंगे ना आप तो फिर बाकी चीज किचकिच नहीं होंगी। अभी मैंने HJCAM खरीदा था, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, 25-30 हज़ार इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बट आउटपुट मज़े वाला आएगा। इस ब्रिज का नाम तो पता नहीं मुझे, बट सुपर नज़ारा है। रनिंग करने के लिए आने का यार मुझे, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। फिजिकल गोल भी अकॉम्प्लिश नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहे। चला काका 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 भी क्या पहचानेंगे यार। ओ बहु कौन से बहु। ओके आई एम हियरिंग कर समरे, नो 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 कर समरे तो इधर से अंदर है। ओके भाई साहब सॉरी मिस्टेक। नेचर इज सुपर गाइस, सुपर, मजा आ रहा, मजे आ रहे भैया, मजे आ रहे, ठंडी ठंडी हवा में हम जा रहे, मजे आ रहे भैया, मजे आ रहे, ठंडी ठंडी हवा में हम जा रहे। यार ये कैसे मतलब मुझे ही नहीं पता कैसे बन गया ये गाना, मजे आ रहे भैया, मजे आ रहे, ठंडी ठंडी हवा में हम जा रहे। यही रहता है यार चश्मे का प्रॉब्लम, मास्क पहना है उसके ऊपर चश्मा है तो ये पूरा फॉग फॉग चश्मे के ऊपर आ जाता है, जब तक हवा नहीं लगती तब तक जाता नहीं है, रिटर्न जाए या इधर जाए। चलो इधर एक बार हाईवे भी दिखा लाते आपको।
ज्योतिबा फुले प्रवेश द्वार शिरपूर शिरपूर अगेन यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा भैया, दिमाग में तो अलग ही चल रहा भैया। ओ भाई एवढा जोर मा जातस का भाऊ, मग हायवे ना नॅशनल हायवे बॉईज, मजा आ रे। चलो 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 पुणे धुळे धुळे 50 किलोमीटर, नाशिक 220, मुंबई 390।